फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ कॉलेज में, बीएड कॉलेज में, इस भाई के साथ, राहुल भाई के साथ। ये दूसरे वाले राहुल हैं, इनसे मिलाता हूँ आपको। तो ये वाले राहुल हैं मेरे साथ, मतलब मैं इनके साथ हूँ। और ये लंगासु सुना होगा आपने, यहाँ पे एक बीएड कॉलेज है, उसी को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वैसे इसका काम है और मैं इसके साथ हूँ, तो एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसा कॉलेज है। और लंगासु बता दूँ आपको, ये अभी मैं लंगासु में हूँ और जैसे मैं वो वाला पुल पार करूँगा जो आपको दिख रहा है सामने, दिख रहा है आपको वो वाला जो पुल है, उसको पार करेंगे तो वहाँ पे जिलासु है, वो सामने दिख रहा है, जो वो जिलासु है, और वहाँ कहीं पर कॉलेज है। और जो ये बह रही है, ये वाली है अलकनंदा। कॉलेज के उसमें चले जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक दूसरा पुल भी है, वो छोटा सा पुल देख सकते हैं, जैसे श्रीनगर में है जो मेन पुल है श्रीनगर का, वो तो काफ़ी बड़ा है इससे, और छोटा पुल वैसे ही है सेम टू सेम, जहाँ से सिर्फ दो पहिया गाड़ी जाती है और आदमी जाते हैं। पर यहाँ पे मतलब श्रीनगर की याद आ गई थी मुझे। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं अलकनंदा भाई, यहाँ पे जरा देख सकते हो आप, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन कलर का हो जा रहा है, वहाँ पे बिल्कुल छाला छाला है। तो इस प्रकार से वो भाई बहुत आगे चला गया है, तो चलते हैं उस तरफ। और फ्रेंड्स, हमने कर लिया है पुल पार और हम पहुँच चुके हैं जिलासु में। ओके, ये जिलासु का छोटा सा मार्केट यहाँ पे, और आगे कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक दुकान है, सब्जी की दुकान है। पर हमें कॉलेज आना है, कॉलेज इस तरफ को है, और जिला से कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, तो हम कॉलेज की तरफ को बज रहे हैं और हम उधर से आए थे, उस तरफ लंगासु है। और जैसे हम इधर आ गए तो यहाँ पे जिलासु नाम पड़ गया है, और वो जो दोस्त है वो देखो कितने आगे जा रहा है बहुत स्पीड से, चलो छपाते हैं उसे, दौड़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे एक मंदिर जैसे है, जय भैरवनाथ, जॉय श्रद्धा से ले जाए वरदान, वाह। तो वरदान चाहिए अगर आपको, तो वो सामने देख सकते हैं बड़ा सा गेट है कॉलेज का, और शायद यहाँ पे ये जिलासु का राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिलासु है, जो दिख रहा है पीला पीला। और हम बढ़ते हुए बीएड कॉलेज की तरफ को, मैं बता दूं आपको कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आप। ये एक बीएड का कॉलेज है, कर्णप्रयाग से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे, गोपेश्वर वाली रोड पे, जो कर्णप्रयाग से गोपेश्वर जाती है उसी वाली रोड पे है। तो आपको लंगासु रुकना पड़ेगा, वहाँ से पुल पार करके जिलासु आना पड़ेगा। तो हमने ये गेट अभी अभी क्रॉस किया है, और अब ये सामने देख सकते हैं आप माय फ्रेंड, और उस सामने लंगासु। और ये कलकल करता बहता हुआ हमारा नदी, और यहाँ पर बखाली, यहाँ पे कुछ बन रखा है, बन रहेगा ग्रामीण हाट। तो कुछ इस प्रकार से है। तो कॉलेज में हम जा रहे हैं, कुछ कच्चा रास्ता, वैसे पक्का रास्ता वहाँ से जाता है रोड बाय रोड, बट ये यहाँ के स्टूडेंट हैं
कोई नहीं पता है कि शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। और अब हम कॉलेज पहुंच चुके हैं, जस्ट वी हैव रीच्ड। फ्रेंड्स, तो ये कॉलेज है पीछे, मैं वहाँ गया नहीं क्योंकि मेरा कॉलेज नहीं है, ये दोस्त का कॉलेज था और इसने कुछ काम करना था, इसने कर लिया है। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं फिर से लंगासु। इसने एक छात्रवृत्ति का फॉर्म भरना था, वो इसने भर दिया है। तो अब चलते हैं हम इधर इसके गांव की तरफ। इसका गांव है गुप्तकाशी, गुप्तकाशी में कोई गांव है देवर नाम से, तो वहीं जाना है। और फिर गुप्तकाशी भी दिखाऊंगा मैं आपको, वहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर है वो भी दिखाऊंगा, तो फिर इसके गांव भी दिखाऊंगा। बने रहिए इस वीडियो सीरीज़ में, ये है गुप्तकाशी वीडियो सीरीज़। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए और बने रहिए इस वीडियो सीरीज़ के साथ। बाय बाय, मिलते हैं इसकी अगली सीरीज़ में, अगली वीडियो में।